बम्बई में काफी फेमस है ये भाई। एक प्लेट बिरयानी लगा दो। उनका बहुत पुरानी दुकान है यार बिरयानी की। आदमी देखो रायता प्याज भी आ रहा है। जस्ट अभी रूम से निकला हूँ सुबह से जाके, अब जाके घर से निकला हूँ। पानी पूरी खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अब डाइट की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हूँ। पानी पूरी उड़ी तो बहुत खाने का मन करता है। ये लीची जा रही है कितने रुपए किलो भाई? 120 रुपए किलो लीची। देख लो भाई आवाज़ लगा लगा के बुला रहे हैं। फाइनली काम हो गया, जो काम से आया था सिम वाला काम तो हो गया। एयरटेल से लेके वोडा पे आ गया। और जो ये वोडा वाली मैंने अपने आधार कार्ड पे ली है। 3 दिन लगेगा ये एयरटेल से नेटवर्क कनेक्ट होने में वोडा में जाने में। अभी हम जा रहे हैं पहलवान जो रहा है, तो जहाँ पर ICICI बैंक है। ये है बैंक बड़ौदा, ये है ICICI बैंक, यहीं आना है मुझे, पता करते हैं। चलते हैं अब दोस्तों यहाँ से घर में, क्योंकि जो है गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा सा धूप जो है बढ़ गई है ज़्यादा। जब मैं निकला था तो एकदम बदली थी। ये है गली वाला क्रिकेट यार, बहुत टाइम हो गया मैच खेले। यही सब टाइम पास होता है, संडे वनडे छुट्टी मिल जाए आराम से बढ़िया। ये सब सऊदी अरब में भी बहुत से लोग खेलते हैं, जिनके पास जो कंपनी वंपनी में काम करते हैं, जुमे को जब छुट्टी होती है तो वो भी ऐसे निकल के गेम खेलते हैं, मैच खेलते हैं। ये पूरी दुपट्टे वाली गली रोशन बाग की, मम्मी को दुपट्टा दिलाने आए। कहाँ कहाँ घूमना पड़ जाता है। हाँ हॉस्पिटल एक सामने है कालवन वाला, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे अतीक को मारा गया था। मैं सऊदी अरब में था, एक बार की न्यूज़ आई कि अतीक नहीं रहे हैं, अतीक अशरफ। यही वाला वो गेट है, यही गेट से अंदर गए थे। ऐसी जगह पे आया तो फिर एक बार की याद आ गया। ये मछली बाजार है पूरा, यहाँ पे चूड़िया उड़िया सब मिलती है, मुर्गे चूड़िया। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में मछली बाजार मक्के का दिखाया था ना, पिछले व्लॉग में देख लो, एक से एक परिंदे चुड़िया। संडे को ज़्यादा भीड़ लगी यहाँ पे, देख एक से एक चुड़िया लगी हुई है। लाइन से मार्केटें हैं, यहाँ पर पंछियों का दाना भी मिलता है। ये सामने दुकान है, और सामने कोतवाली थाना है वो सामने। ये पूरा नकास कोना चौराहा है, यहाँ पर सब्जियों की मार्केट लगी है, देखो आलू प्याज। ओए होए होए, ये पूरी गली तराई वाली गली देख रहे हो, कितना अपने इंडिया की बात ही अलग है भाई। नान शिरमाल गरम गरम निकल रही है यहाँ पर। अगर नहारी का मजा लेना हो तो भाई यहाँ पर सुबह सुबह आ जाओ भाई। इलाहाबाद वालों को तो पता ही होगा, सिलाई मशीन के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। देखो सिलाई मशीन की दुकानें हैं, गड़ी सराय इसी को बोलते हैं, देख रहे हैं। और ये है सबसे फेमस कादिर, कादिर हलवाई की दुकान, देसी घी काफ़ी मशहूर है यहाँ की। सोचो यार ट्राई करते हैं, बहुत साल हो गए कादिर यहाँ की, कुछ मीठा चीज़ खाए। सब देसी घी की मिठाई है, देसी घी। ये अबला तून है, कितने का है ये अबला तून है? बम्बई में काफ़ी फेमस है ये, कैसे भी बसा ये एकदम यार। ये देसी घी कितने रुपए किलो है? 600 रुपए किलो। देसी घी 600 रुपए किलो। यार अच्छा लगता है जैसे कि खाना भी चाहिए। सामने है मस्जिद, देखो गड़ी सराय में काफी खूबसूरत मस्जिद बनी है। इधर जाएंगे तो घंटा घर आ जाएगा, और यहाँ से राइट लेंगे तो ठठेरी बाजार आ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी सिर्फ खाली सिर्फ और सिर्फ बर्तन की दुकान है। देखो जैसे बर्तन दिखेंगे चारों तरफ, इस तरफ चारों तरफ बर्तन ही बर्तन दिखेंगे। बर्तन ही बर्तन है चारों तरफ, दुकान है बर्तन की। यहाँ पर नए बर्तन मिलते तो हैं, लेकिन पुराने बर्तन दे के नए बर्तन भी मिल जाते हैं।
ये अभी हम आ गए हैं, बहुत फेमस दुकान है अबुल बिरयानी वाले, और सामने है घंटा घर, वो इसी को बोलते हैं घंटा घर चौराहा, घंटा घर चौराहा। इनका कहना है कि हाथ धो और हाथ से खाओ जो अल्लाह ने आपको दिया है। ये आ गई बिरयानी, देख रहे हैं, इनको कहना है कि हाथ से खाओ चम्मच से नहीं। लो भाई, और साथ में प्याज हो तो मज़ा ही कुछ और है। 6 साल पहले वाला आज भी वही टेस्ट है, हो गई मज़ा आ गया ज़बरदस्त। यही सब गली याद आती है जब जाओ तो सऊदी। जेके महल है, मैरिज हॉल है, हाँ बहुत खूबसूरत बना है। लेकिन ये कंगन पैलेस मैरिज हॉल, बहुत ज़्यादा मैरिज हॉल है। मेरे तरफ दोस्तों यहीं पे वोटिंग होती है इलेक्शन के समय। ये पूरा कब्रिस्तान इसके पीछे, एक रिक्शे पे कह के लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।